बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएस एजुकेशनल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। दिस इज योर फर्स्ट यूनिट फॉर द बुक फिजिक्स। टाइटल ऑफ द यूनिट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट एंड दिस इज द फिफ्थ वीडियो फॉर दिस यूनिट। सो ओपन योर पेज नंबर 7, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। Due to vast scope and research in physics, it is usually divided into different branches. Some of them are given below. क्योंकि फिजिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, आपको हमने बताया कि छोटे से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लेकर कॉस्मोस यानी पूरी कायनात तक फिजिक्स के मुख्तलिफ फिनोमिनन फैले हुए हैं और उनको पढ़ना एक बहुत वसी काम है, एक बहुत एक्सटेंसिव काम है। तो इसलिए फिजिसिस्ट्स ने फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एरिया विद इन फिजिक्स क्या है जी? मैकेनिक्स। सो आपने भी कई दफ़ा मैकेनिक्स का लफ्ज़ सुना होगा। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ इट रिलेट्स टू फोर्सेस। यानी ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से हरकत करते हैं, उनको आपस में क्या ताल्लुक है, उनका फोर्स के साथ क्या ताल्लुक है, कितनी फोर्स अप्लाई की जाए तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितने दूर तक हरकत कर सकता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें मैकेनिक्स कहलाती हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन, वेट, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। यानी जो गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ग्रेविटेशन का क्या असर है, फ्रिक्शन यानी आप इसकी रगड़ से दो चीज़ों के क्या होता है, वेट का क्या असर है, और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी घूमते हुए ऑब्जेक्ट्स। अगर सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो मैकेनिक्स के अंडर वो चीज़ें आती हैं जिनमें सिंपल मशीन्स बनाना, सिंपल मशीन्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाना, ये सब मैकेनिक्स में आता है। और बच्चों ये जानना आपके लिए इसलिए भी अहम है कि इंशाल्लाह आगे चल के मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद जब आप अपने लिए कुछ करियर का चूज करोगे, कुछ डिसाइड करोगे कि आपने कौन सी इंजीनियरिंग में जाना है, या अगर आप एमफिल पीएचडी की साइड पे जाना चाहते हो तो आपने कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आगे स्पेशलाइज करना है, तो उस वक्त आपको अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड एरिया विद इन फिजिक्स इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। बेसिकली किस तरह से हीट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सा मटीरियल कितना हीट करने पर किस तरह रिएक्ट करता है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से मुराद हीट से रिलेटेड जो मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जी में चेंज की जाती है हीट एनर्जी, और फिर उससे मुख्तलिफ चीज़ों को मूवमेंट दी जाती है, मोशन दिया जाता है, वो सब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आता है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस, इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे हम सेव करते हैं, किस टेम्परेचर पर सेव करते हैं, फ्रीजर्स कैसे काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करते हैं, एयर कंडीशनर्स प्लस इंजन्स में थर्मोडायनामिक्स में बहुत अहम है। स्टीम इंजन्स कैसे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पावर हाउसेज में टर्बाइन्स किस तरह चलते हैं, ये सब कुछ थर्मोडायनामिक्स में आता है। ऑस्किलेशंस एंड वेव्स। ऑस्किलेशन होता है मूवमेंट विद इन, मूवमेंट अराउंड मीन पोजिशन, एक मीन पोजिशन के आगे पीछे मूवमेंट को ऑस्किलेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, मिसाल के तौर पर पेंडुलम अगर आपने देखा है घड़ी के नीचे लटकता हुआ, तो उसकी जिस तरह टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको आगे पीछे वाले मूवमेंट, उसी को टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। स्प्रिंग्स किस तरह काम करते हैं, वाटर वेव्स एंड साउंड, इन सब चीज़ों को हम इस फील्ड ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स। द फोर्थ वन इज ऑप्टिक्स, लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड टू यूज और डिटेक्टेड। मतलब जो भी चीज़ें रोशनी से मुतालिक हैं या जो भी आलात हम इस्तेमाल करते हैं और रोशनी को डिटेक्ट करने में और उसको इस्तेमाल करने में, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा मिरर्स, लेंजेज, टेलीस्कोप, आई। ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के कैमराज, मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, ये सब इसके अंडर आ जाता है और हर रोज बरोज इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके ऊपर एक बाकायदा पूरी की पूरी इंजीनियरिंग है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना। जो स्टैटिक कहते हैं जो कि मूव ना कर रहा हो, स्टेशनरी हो,
तो स्टेशनरी और साथ साथ मूविंग चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? जो आपके कभी आपने वुलन स्वेटर को रब किया हो और उसमें से चार्ज लाइट निकली हो, या शॉल वुलन शॉल को हिलाएं सर के बालों के साथ रगड़ें तो उसमें से चार्ज निकलता है, दैट इज स्टैटिक चार्ज। तो वो चार्ज और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है और उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब इस फील्ड में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज, सर्किट्री, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये सारी चीज़ें इस फील्ड में पढ़ी जाती हैं। किस तरह से सर्किट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ये सारी चीज़ें इस फील्ड ऑफ फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत अहम फील्ड है और आजकल इस पर बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है। और इसमें बेसिकली क्या काम किया जाता है कि एक एटम, खास मखसूस एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, कुछ खास किस्म के धातें हैं जैसे यूरेनियम है, इनके इनके एटम्स के ऊपर काम किया जाता है और देखा जाता है कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनसे किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। एक्सरेज, लेजर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, अगर आपको याद हो तो जब हमने फिजिक्स और इन मेडिकल फील्ड पढ़ा था तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें, इनके नाम पढ़े थे और हमने देखा था कि ये चीज़ें भी, यानी ये MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, ये सब फिजिसिस्ट ने और मेडिसिन की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मिलकर ईजाद किए हैं। और इसमें स्पेशल किस्म की रेज, रेडिएशंस, उनका बहुत अमल दखल है और ये सब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के अंडर आता है। यानी ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू क्रिएशन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ऐसा नहीं है, सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बनाने तक ये महदूद नहीं है, बल्कि इसमें रेडिएशंस, रेज, इवन अब देखिए मेडिकल साइंस में भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। नेक्स्ट है जी रिलेटिविटी, मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन। मुख्तलिफ किस्म के मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत हाई स्पीड पर मूव कर रहे हैं, प्लस जो ज़मीन की ग्रेविटेशन है, कशिश सकल है, इन सब को डिटेल से पढ़ना ये भी फिजिक्स की एक अलहदा ब्रांच है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, न्यूक्लियर एनर्जी भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इज रिलेटेड टू द इनडिविजिबल यूनिट्स, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से नज़र नहीं आते, इनडिविजिबल यूनिट्स हैं और उनको कहते हैं क्वांटा, द एटम एंड इट्स पार्ट्स। बेसिकली क्वांटम फिजिक्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड वट एवर इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स एट द स्मॉलेस्ट लेवल। यानी वो क्वांटम फिजिक्स इस बात पे फोकस करती है कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स में जो कुछ हो रहा है वही जो कुछ पूरी यूनिवर्स में हो रहा है उसके होने की वजह है। सो बेसिक लेवल से, बिल्कुल छोटे लेवल से यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन देती है क्वांटम फिजिक्स बाय फोकसिंग ऑन द एटम एंड इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट आ गया जी पार्शियल फिजिक्स, नेचर ऑफ द पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशंस। तो बेटा इसमें ये एक बात आपके लिए शायद नई हो कि क्वार्क्स, लेप्टन्स, फोटॉन्स एंड बोसॉन्स, ये जो हैं ये अभी तक आपने शायद ये सुना होगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और फिर उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इसके हिस्से सुने होंगे। लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने अराउंड 2012 में लेटेस्ट पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, तो साइंटिस्ट्स ने कहा कि नहीं, बल्कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं और ये उनके नाम हैं। सो पार्शियल फिजिक्स जो है ये उन पार्टिकल्स पर फोकस करती है। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरी यूनिवर्स को कॉस्मोस कहते हैं, तो कॉस्मोस और एस्ट्रोफिजिक्स इस बात पर फोकस करती है कि ये कायनात, ओरिजिन कहते हैं बुनियाद को, बेसिक रूट्स को, असल को। तो ओरिजिन क्या था इस कायनात का, ये शुरू कैसे हुई, फिर एवोल्यूशन इसकी कैसे हुई, ये अभी इस हालत में जिसमें है ये यहाँ तक कैसे पहुँची, एंड इवेंचुअल फेट, इवेंचुअल फेट, आखिरकार इसकी किस्मत क्या होगी, इसका एंड क्या होगा। स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स, ये क्या हैं, सितारे क्या हैं, कहकशाएं क्या हैं, ब्लैक होल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का नाम एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी है। बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स,
physical interactions of biological processes and application of physics health processes such as prevention, diagnosis and treatment. जिस तरह से आपको शुरू में बताया था कि फिजिक्स जो है वो मेडिसिन की फील्ड में भी इस्तेमाल होती है, तो फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझना पड़ता है फिजिसिस्ट को, और फिर उसकी बेसिस पर उनको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की चीज़ें ईजाद करनी पड़ती हैं, डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट ईजाद करना पड़ता है जो कि हेल्प करते हैं डिजीज़ को रोकने में भी और डिजीज़ के डायग्नोसिस में भी. डायग्नोसिस का मतलब है तशखीस में, तो जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये हमें ये मदद करती है कि कौन सी बीमारी है, बीमारी को जानने में मदद करती है. और प्रिवेंशन का मतलब है रोकना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी बीमारी को या किसी भी नुकसान को रोकने में मदद करती हैं. तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियो ट्रेसर्स एंड कंडक्शन इन लिविंग सेल्स, मुख्तलिफ किस्म की चीजें इंसानों के अंदर भी ऐसी लगाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, शायद आपने कहीं सुना हो कि दिल के बीमार लोगों के लिए पेसमेकर बनाया जाता है जो दिल की रफ्तार को ठीक रखता है. इसी तरह बहुत सारे आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगाए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं. तो बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स उन चीज़ों को मिलाप है, यानी मेडिकल साइंस और फिजिक्स का जहाँ पर मिलाप होता है और दोनों मिलकर इंसानों के लिए कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, तो उस ब्रांच का नाम बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स है. तो बच्चों, ये थी मुख्तलिफ आपकी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. इंशाल्लाह अगले लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है. अगले यूनिट, इस यूनिट का अगला वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी. उसमें इंशाल्लाह हम प्रॉपर तौर पर फिजिकल क्वांटिटीज को शुरू करें.